निकल रहे हैं अपना दिल्ली की ओर, ऋषिकेश से दिल्ली। ये मनमोहन है। हेलो बोल दो मनमोहन। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और ये इसने खरीदा है लद्दाख का, क्या चीज़ होती है मनमोहन? तो ऐसे ही खरीदा है, इसमें कुछ लिखा होगा से। तो लद्दाख से तो अब हम जा रहे हैं वापस अपना डेस्टिनेशन, और कल से जा रहा है वापस दोबारा से बोरिंग। चलो कोई बात नहीं, ये सब भी होना चाहिए। हर टाइम बस्ती, हर टाइम बोरिंग, ये सब नहीं था, सब कुछ सब चीज़ें लेके चलने जाती है। तो चलो ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में, दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। दिन के टाइम पे भी हमने सोचा था कि धूप वगैरह निकलेगी, लेकिन धूप नहीं है, ठंड बहुत है यहाँ पे। और ये रहा मनमोहन, इसको खाना खिला दिया, अब इसके बाद हम खाना खाएंगे। चलो बनी रहेगा हमारे साथ। अब हम आए यहाँ पे पिंक चौधरी ढाबा खाना खाने के लिए। और ये रहा मनमोहन। चलो हम चलते हैं अंदर। तो हमने सोचा है तो खा लिया है, अब हम भी खा लेते हैं कुछ। तो ये सामान निकल जाएगा अभी बाहर, अंदर बैठते हैं। चलो ठीक है, कि चलते हैं अंदर। तो हमने कर दिया है ऑर्डर पनीर कढ़ाई और गोभी मसाला। हाँ, तीन चीज़ें हमने ऑर्डर की है और रोटी के साथ में। तो बस अब हम खा रहे हैं, ठंड है, मज़ा आ रहा है। सर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं किचन का, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है बाहर से, ठंड है काफ़ी यहाँ पे। ये है ढाबा, यहाँ पे हम रुके हैं। ये रहा मनमोहन, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये इनका बैकयार्ड, पीछे वॉशिंग एरिया आई गेस। हाँ, और बाहर दिखाते हैं। ये है ढाबा पिंकी चौधरी ढाबा। हाँ, सोचा ढाबे का खाना खाते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं खाने का वेट, और ये है मिर्च। तो सोच रहे हैं खा लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी। मज़ा आता है, मुझे तो अच्छी लगती है मिर्च। आ गया हमारा खाना, बस ये आगे खेते ही जाएंगे। तो बाहर आके तो काफ़ी सारी डाइट तो बिगड़ जाती है। तो अब मुझे क्या करना है, मंडे को अच्छे से जिम करना है और दो चार दिन अच्छे से डाइट करनी है, सैलड वैलड पे रहना है, ताकि जो अभी इतना खाया है दो तीन दिन उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, मतलब उसको थोड़ा सा ठीक कर देना है। और बस कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं अपने खाने का, खाना आएगा खाएंगे। पता क्या आता है, सोचते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना और डाइट खराब हो जाएगी, जब सामने आता ना तो सब कुछ खाया जाता है। ये तो है, अच्छा तो लगता है खाते हुए। कोई बात नहीं, बाहर आए हैं तो ये सब तो थोड़ा सा सैक्रीफाइस, आपको कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीज़ें करनी होती है। और ये मन मोहन यहाँ पे लगा हुआ है पूरा गाना बजाना करने के लिए। और
पास क्योंकि अब हम दिल्ली जाएंगे। इसके बाद सीधा 14 किलोमीटर तो हमने क्रॉस कर लिया है, अब 200 किलोमीटर है। 14 तो कर लिया है, 214 था, 30 किलोमीटर कर लिया, 30 किलोमीटर। अच्छा 30 किलोमीटर, ठीक है। हाँ मतलब मैंने जो लास्ट बोर्ड देखा था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये बता रहे 30 किलोमीटर कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो कितने बजे तक हम पहुँच जाएंगे? छह बजे तक पहुंच जाएंगे। चाय पानी पीने के लिए, चाय तो पीनी पड़ेगी, ठंड का मौसम है, मजा आएगा, चाय पिएंगे रास्ते में। ये तो अभी हम क्या कहते हैं लंच कर रहे हैं, कितना अभी 1:15 हुआ है। उसके बाद फिर हम बीच में थोड़ा सा रुकेंगे, चाय पियेंगे, चाय के लिए तो 2 बजे तो रुकना ही पड़ेगा, ठंड इतनी है। तो चलो ठीक है, अब हम वेट करते हैं। ये देखिए ये है इनके अंदर किचन, ये बन गया है गोभी, और ये क्या है कढ़ाई पनीर, और ये क्या बना रहे आप? कढ़ी पकौड़ा। तो ये है इनकी किचन, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो यहाँ 4 भी देते हैं साथ में, ठीक है। वाह, और ये है बर्तन वगैरह, और ये पीछे का एरिया है इनका। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है एकदम से मस्त। और ये है भैया डाल रहे हैं चार, क्या नाम है भैया आपका? राकेश। थैंक यू सो मच भैया, आप हमें खाना खिला रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये हमारा है कढ़ी पकौड़ा, थैंक यू। अच्छा है किचन, काफी साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। चलो हम चलते हैं, खाने का वेट करते हैं। मैं किचन देख के आया हूँ अंदर, अभी बहुत खाना बन रहा है मस्त एकदम। आपको दिखाइए अभी अंदर से किचन कैसे खाना बन रहा है, एकदम जो खुशबू आ रही थी ना, ऐसे दिल कर था खा लो, वही खाए बन, मतलब खाने के लिए तो बनवाया था। तो बस अब वेट करने वाले थोड़ा बाहर आ जाता हूँ तक। आ रहा है हमारा खाना, आ चुका है हमारा खाना, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ये है कढ़ी पकौड़ा, ये है गोभी मसाला, और ये है कढ़ाई पनीर, और ये है हमारा सैलेड, ये है मिर्च, और ये है अचार, और ये है मनमोहन, और ये रहा मैं, और ये रहा मैं, और हम खाने जाने हैं अपना खाना। बहुत कितना अच्छा लग रहा है सब देख के, तो थोड़ा अब रोटी आने दो फिर हम खाते हैं। तो ये हो गई हमारी थाली रेडी, और मैं अब खाने जा रहा हूँ, और ये रही मनमोहन की थाली, तो ये रहा मनमोहन। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं फाइनली, बहुत भूख लग रही है देख के इसको। तो चलो अब हमारी थाली रेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम इसे खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में, बाय। मैं आपको थोड़े बाइक पीके दिखाता हूँ, एकदम मस्त खाना यार, मस्त एकदम, गोभी कढ़ाई पनीर और कढ़ी, और ये रहा मनमोहन। हेलो, कैसा लग रहा खाना? बहुत टेस्टी है। चलो ठीक है, फाइनल से खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, सॉरी बाय। अब खा लिया हमने खाना दोनों ने, और अब ये कह रहा है एकदम स्पीड से लेके जाएगा, स्पीड से मतलब कि अब सीधा दिल्ली पहुंचाएगा हमें। तो चलो ठीक है, मिलते हैं तो दिल्ली, और बीच में रुकेंगे हम चाय पीने के लिए ज़रूर, क्योंकि ठंडी का है मौसम और चाय तो बनती है। तो चलो, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे हाईवे पे, और थोड़ा सा हम फोटो सेशन कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, और काफ़ी ठंड है। अभी रुक रहा था, अभी हमें चाय पीने के लिए था, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे आगे रास्ता, उसके बाद हम पियेंगे चाय गर्मा गर्म, और ना चाय थोड़ी सी ऐसे करेंगे 2 कप तो पी लेंगे, है ना, बहुत मज़ा आएगा चाय पीने का, चाय पीने का मन कर रहा बहुत ठंड के मौसम में, और साथ में बिस्किट्स वगैरह लेंगे, यस। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए ये दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ से सीधा मन कर रहा है ऐसे भागता हो जाओ, और जो इतना खाया हुआ ना अभी, इतना तला हो नहीं, मतलब जो भी
खाना ढाबे का खाया, सब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। चलो कोई नहीं यार, कल से दो चार दिन के लिए डाइट कर लेंगे अच्छे से, होता है स्ट्रिक्ट वाली डाइट जो होती है अपना सैलेड वैलेड वाला, और जिम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये बैठा मनमोहन, वाह 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 वाह, अच्छा मौसम है, ठंड 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 ठंड। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, तो ये रहा मनमोहन और आपका बाहर की लोकेशन दिखाता हूँ थोड़ी देर। ये है हवा चाय, यहाँ पे जो चाय हमने मंगाई है ज़्यादा, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। तो पता खाते हैं आपको बाहर जाके छुट्टी, इनके ऊपर ईट रख के ले जाते हैं ना, ये सबसे बकवास लगता है ना, वो बेचारे कैसे लेके जाते हैं ढोके, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एनिमल अब्यूज जो करते हैं ना, और यहाँ पे हम रुके हैं मोर फेज मोर रिफ्रेशिंग आर के जी स्टॉल। और ये कितने का है भैया? ये सब 5K, वाह ये सब 5K है, एक लेना से कुछ एक लेना बाद में। चलो ठीक है, जाते लेंगे। मनमोहन थोड़ा टायर्ड लग रहा है, हाँ वही मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, चलाना ये चलाना इतना आसान थोड़ी ना। और ये आस पास का एरिया, ये पीछे है, आपको दिखाते हो यहाँ से, खेती बाड़ी हुई क्या हो रहा है। ये लेना, हाँ 20 वाली पीजा, हाँ इसको देखती नहीं है, हाँ हाँ इतनी ठंड भी तो अच्छा प्यास लग रहा है, तब ठीक है ना, तब मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो एकदम शुरू होना। चलो ठीक है, अब हम पीते अपनी चाय। हाँ ये ले ली हमने चाय, और वो भी बन गई चाय, हाँ ये ले। भाई हमने लिए हैं दो बिस्किट साथ में, थैंक यू। ये रही हमारी चाय, चाय चाय चाय, नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, नहीं नहीं मैंने चाय पीनी, रुक पी दे, पूरा कर लो ना। क्या, हाँ हाँ कर ले, मेरे को नहीं, मेरे को तो चाय पीनी बस। चलो हम चाय पीते हैं, तो हम आ चुके हैं अपनी चाय के साथ, ये रहा हम दोनों का मौत, और ट्रांसफर कर रहे हैं चाय, और ये रहा एक इसका पैकेट और ये मेरा पैकेट। अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। अब अभी अभी एक स्टॉप अब यहाँ पे लिया है, एक स्टॉप हम आगे में लेंगे चाय का, क्योंकि चाय तो बनती है, चाय तो बनती है। हाँ हाँ हमने बोला फोन सा बने, क्या कहेंगे अभी, ठीक है अभी क्या बोले ऐसे। अच्छा आप बता रहे किसको ऐसे करके खाने में मज़ा आता है, देख करके आना मन का बचपन में ऐसे आता है कि अभी भी ऐसे खाते हैं, मैं तो वो भी लूँगा। अभी एक लड़की पूछा था ना मैंने उनसे 500 रुपये के था, तो अब तक डाइट तो करा हुई थी, खाई दे रहा हूँ कल से करेंगे भाग भाग के डाइट, तो भाग भाग के एक्सरसाइज तो करेंगे डाइट। तो वो मैंने लिया है ये अभी ट्रेलर टाइप है, हाँ नहीं सही है, अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है सिर्फ चीन चीन भर के कुछ है नहीं, बेसन वगैरह तेज बेसन वाला थोड़ा सा डाला हो, बट चीनी है एकदम से, तो कोई बात नहीं, खाना तो खा लिया।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं घर, मैं आ गया हूँ इंद्रपुरा। अब इसने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ये मुझे लेके गया से अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कराया। ऑल दो मैं वैसे क्या कहते हैं वैष्णो देवी ऐसे जाते रहता है तो अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन ये वाला हाँ वही बता रहा हूँ, तो इस वाली ट्रिप पे तो एकदम ठंडा, मतलब स्टार्टिंग में मुझे वो होता है ठंडा आगे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन वही हो गया था किसी तरह मैनेज। पर अब वो यार हाँ, और इसने मुझे मेरे लिए कंबल भी रखा उसके, थैंक यू। और फिर इसने मुझे काफ़ी अच्छे से पैम्पर करके रखा, उसने बोला ग्लव्स ले ले, ये कर ले वो कर ले, जो कि मैं मुझे पता नहीं था कैसे ट्रैवल करना है क्योंकि ठंड वगैरह में मैंने ऐसे कभी ट्रैवल किया नहीं है, ये एक दो करता रहता है, इसने मुझे गाइड किया अच्छे से, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी बनाएंगे और अच्छा सा बनाएंगे, जल्दी दो चार दिन गाड़ी में बनाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। हाँ तब गाड़ी से बनाएंगे, गाड़ी ले लूँगा मैं एक। हाँ नहीं तो वैसे भी अगर गाड़ी जब तू लेगा उसके बाद उससे पहले भी अगर कोई बनेगा तो हम जरूर बनाएंगे। चलो ठीक है, फिर डिले नहीं करते, तू भी थक गया होगा, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देना। और इसका है रावत एम्पायर, ठीक है, चलो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं ऑफिस में, बाय।